तुम्हारे कान नहीं दुखते ये सब सुनते सुनते? काना, आज तो तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही पड़ेगा। और घर पे कोई छप्पन भोग नहीं बने हैं, छुड़ैल से लड़ना है आपको, चलिए मेरे साथ। मेरी बात याद रखो सखी, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये समझ लो, ये भी जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, चलिए अब मेरे साथ। मेरा अभी तुम्हारे घर जाने का वक्त नहीं है। तो क्या मेरे मरने पे आओगे प्रभु? अरे वाह सखा, आपने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब चार दिन बाद शानू का जन्मदिन है, मैं उसे ही तोहफे में दे दूंगी। राधे 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 राधे, ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु श्री कृष्ण हरे, शरण तुम्हारी आऊ, शरण तुम्हारी आऊ, नैया पार करे, ओम जय श्री कृष्ण हरे, राधे 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 राधे। नमस्कार, मैं शक्ति अरोरा। मन में विश्वास है कि आज के एपिसोड में मैं आपके सामने लाया हूँ भक्त और भगवान की एक और कहानी। ये कहानी है बनारस के सिमरन की। सिमरन अनाथ है, वो अपने भाई शांतनु के साथ अपने मामा के घर रहती है। सिमरन कान्हा की भक्त है और उसकी मामी भी कान्हा की भक्त है, लेकिन दोनों के भक्ति के रास्ते अलग हैं। एक ओर भगवान से दोस्ती का रिश्ता है और दूसरी ओर घंटी बज रही है। अब देखना है कान्हा किसकी सुनते हैं। राधे शानू कहाँ चला गया? तो बुखार में तड़प रहा था, कि कान आके ठीक तो नहीं कर दी? बहन, मामी की डांट सुनकर बुखार ससुरा भाग गया और मामी हाथ में झाड़ू थमा गई। चुड़ैल कहीं की, देख मैं तेरे लिए क्या तोहफा लाई जन्मदिन का। कहाँ से लाई? तू हाथ आगे कर। नहीं मारना मेरे भाई को। अच्छा, तो तुमको ये बात का चिंता हो रहा है कि हम केतु को काहे मारे रहे, राहु को नहीं मारे? चोर कहेंगी। सोने का कंगन जो है वो अपने आप तुम्हारा पता पूछते हुए आ गया कि हमारी पगली कहाँ रहती है, जरा हमको उनके पास ले चलो। का? ये मुझे कान्हा की वजह से मिला, वो मेरे दोस्त हैं। का? कान्हा तुम्हारे दोस्त हैं? कहो महारानी, कितना बार मना किया ना तुम दोनों को कि अपने मुँह से कान्हा का नाम मत लिया करो, मतलब तुम दोनों राहु केतु को ना पत्थर तोड़ने के लिए गिट्टी खदान में भेज देंगे, समझी का? अरे ओ पंडिताइन,
पंडिताइन। अरे जीना हराम कर दिया है तुमने दोनों भांजा भांजी ने। अरे पता है तुमको क्या करतूत करके आए हैं? चोरी की है चोरी इन लोगों ने। अरे हमारे नाम पर पट्टा लगा दिया है, अब खड़े खड़े मुंह ही ताकते रहोगे या ऊपर भी आओगे? पता है आपको पंडित जी कि आपकी भांजा भांजी दोनों का करतूत करके आए हैं? चोरी की है चोरी, दिखाओ तो तनी भांजी तुमने का करतूत की है। देखो का चुरा के लाए हैं। ये हमने चुराया नहीं है, हमें मिला है। अच्छा राजरानी, तब बनारस की गलियां सोना उगलने लगी का? देखो पंडिताइन, इसे मैं पुलिस थाने में जमा कर देता हूँ और बोल दूंगा कि रास्ते में जाते समय मिला था। धन्य हो राहु केतु के मामा जी, धन्य हो। अरे अपना दिमाग गिरवी रख के आए हो का? अरे चोरी का सामान है, इके छुपा के पड़ी समझे? पता नहीं दोनों राहु केतु के चक्कर में हमको का पाप करे के पड़ी। अरे ओ राजरानी, इधर आ तो, इधर आ, आती के दूध थाप लगाए, चल पहना चल हमरे पैर में। और हाथ जल्दी चलाती है कि नहीं? देखो छुपा दिए ना दोनों का पाप। मम्मी मम्मी, अरे खाली पैर का है आ गए रे तू? कितनी बार बोले शानू ने स्कूल में कोई मार कुटाई नहीं की है, इसको स्कूल भेजिए और चुड़ैल को समझाइए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं बोलते। मम्मी मम्मी, दीदी चुड़ैल बोल रही है। कारे केतु की बहनिया हमको चुड़ैल बोली? ये बोल रही है कि शानू ने कोई मारपीट नहीं की, मैं जाकर स्कूल में पूछताछ कर लेता हूँ, पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। कोई जरूरत नहीं है पंडित जी, ये बात तो हमको शानू है बता देगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। बोलो शानू। मामी जी सच कह रही है। अरे ओ राजरानी, रसोई घर में तुम्हारे नाम का बर्तन रो रहा है। राधे 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 राधे। तो सानू महाराज का मतलब ये है कि बहनिया झूठ बोल रही है, ये नहीं, ये तो स्कूल जाने के लायक नहीं। अब पहले दिन कपड़ा बस्ता जूता मोजा झोला सब फाड़ के आया ससुरा। हम तो कह रहे किसको स्कूलवा मत भेजो, हमको तो डर लगता है पंडित जी, कौनो कोई झमेला खड़ा कर दिया तो लेने का देना पड़ जाएगा है? और तू काहे खड़ा खड़ा हमारी बात सुन रहा है? जा अपनी बहनिया के हाथ बटा। मुझे माफ कर दो दीदी, दीदी प्लीज प्लीज दीदी माफी तो मांगी। अरे इतना क्या रूठती हो? तो झूठ क्यों बोला? आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं आज। रुक जा, तू भाग कहाँ रहा है? तू झूठ क्यों बोला? तुझे अम्मा याद है? मुझे याद है, अम्मा रोज मुझसे कहती थी अपने भाई को स्कूल भेज। अब मैं क्या जवाब दूंगी उनको? तुझे पता अम्मा मुझसे रोज क्या कहती है सपने में? सिम्मी पगली मंदिर निकली, अपने भाई को स्कूल भेज। अपना मामा 12वीं 13वीं पढ़ा है लेकिन एकदम झोलू है, मुझे नहीं पता स्कूल में क्या होता है। लेकिन अम्मा ने बोला था, अम्मा ने बोला था, इसलिए मैं तुझे स्कूल भेजूंगी, समझा? मेरा भाई झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। शानू झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। झूठ बोलेगा मैं अम्मा का सपना कैसे पूरा करूंगी? मुझे सोने का गहना दिलवाए थे ना आप, चुड़ैल के पाँव में चला गया और शानू को झूठ बोल के स्कूल से निकलवा दिया और कल मामा के सामने हमें झूठा साबित किया। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, शानू ने हमसे झूठ बोला, हमें बहुत बुरा लगा। देखिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूं। ये क्या है सखी?
आज आपको मामी का फैसला करना ही पड़ेगा सखा, और शानू को स्कूल में भेजना है। उस चुड़ैल की वजह से शानू ने मुझसे झूठ बोला, मेरी अम्मा के सपने का सवाल है, और आज आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चलिए आज आपको मेरी मामी का मुंह बंद करना ही होगा, और मेरे भाई की पढ़ाई के लिए भी कुछ करना होगा। जो जिस समय होना होता है वो उसी समय होता है, और तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए कोई ना कोई तुमसे टकरा ही जाएगा। चोपे मत पहनाओ गुरुदेव, आपके होते हैं मुझसे कौन टकराएगा। पगली 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 पगली। अरे कहाँ आंधी तूफान की तरह भागी चली आ रही हो? आप कौन? मैं मंदिर के पास वाला स्कूल है ना, उसका हेडमास्टर हूँ। मास्टर जी प्रणाम। आप मेरे भाई को जानते हैं, शानू को? कौन शानू? वो आपके स्कूल में ही पढ़ता था। अरे शांतनु चतुर्वेदी, पंडित जी का भांजा, अब तो अंग्रेजों की भाषा भी जानता है। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारा भाई है? अरे वो तो बड़ा टैलेंटेड लड़का था, आजकल किसी दूसरे स्कूल में डाल दिया क्या उसको? नहीं, घर पर ही है। हमारी अम्मा का सपना था कि शानू भी स्कूल जाए। वैसे स्कूल जाकर क्या होता है? आदमी पढ़ लिख के एक समझदार इंसान बनता है। हमारा मामा भी 12वीं 13वीं पढ़ा है, लेकिन वो एकदम झोलू है। अच्छा मास्टर जी, आप मेरे घर आएंगे शानू के दाखिले की बात करने? अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आता हूँ। प्रणाम मास्टर जी। हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधर गोपाल, अब तुमरे सिवा हमरा इस दुनिया में है ही कौन? भगवान जल्दी से हमरे बिटवा को कलेक्टर बना दो। मम्मी, और हो सके तो ओके पर कुछ और भी बना सकते। मम्मी मम्मी, वो सिमरन दीदी हेडमास्टर जी से बात कर रही थी, शानू के एडमिशन के लिए कल उन्हें घर मिलने बुलाया है। वाह, शानू का एडमिशन? शानू, शानू रे, कहाँ छुप के रह गया शानू? आज तो दुन्नो राहु के तेरे शांति करेंगे। शानू कहाँ छिपा है नाथ पिता? तुम्हारी बहनिया स्कूल के हेडमास्टर को घर पे बुलाई है, और तुम उनके सामने अपना मुंह खोले कि तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ नहीं हुआ है, तो देख लेना तुम्हारी बहनिया को हम पागल खाने भिजवा देंगे। तानू रे, और जिंदा है कि मर गया, कहाँ छुपा है ये नालायक लड़का? और वैसे भी तुम्हारी बहन को सब पागल पागल बोलकर ऐसे पत्थर मारते, तानू जान लेके रहेगा हमारी। शानू ले, शानू दूध पी, इससे तेरा दिमाग भी तेज होगा, और तुझे कल स्कूल भी जाना है ना। पहले तुम पियो बहन, झूठा करने नहीं का, पीने का है बहन। अब पी भी इसे। अच्छा सुन, कल ना मास्टर जी आ रहे हैं, और वो मामा से कहेंगे कि तुम्हें स्कूल भेजें, कल हमारी अम्मा का सपना सच हो जाएगा। और हाँ, अगर मामी जी कहें ना कि तुमने स्कूल में कोई लड़ाई झगड़ा किया था, तो तुम साफ मना कर देना कि तुमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, समझे ना मेरा अच्छा भाई। चल दूध खत्म कर जल्दी। अगर बहन का साथ नहीं दिया तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। हे कान्हा, क्या करूं मैं? बहन का साथ तो दे नहीं सकता क्योंकि तू अगर स्कूल जाने का नाम लिया ना, तो तेरी बहनिया को उठा के हम यहाँ ले आएंगे। तुमको पता है ये जगह कौन सी है? पता है? आम बोलचाल की भाषा में इस जगह को कहते हैं पागल खाना। और तोर बहनिया के लिए तो हम पहले से यहाँ बतिया चुके हैं, को बेड भी खाली है। यहाँ के लोग आएंगे और तेरी बहनिया को उठा के यहाँ डाल देंगे। और तुमको पता है इस जगह में क्या होता है? आओ आओ आओ, हम सबको दिखाते हैं नजारा। एक ठो बात तुमको याद रखना है कि घर में तुमको सबको झूठ बोलना है कि तुमको हम नहीं मारे हैं, बल्कि स्कूल के मास्टर वालों को मारे हैं। और अगर तुम ऐसा नहीं बोले ना, तो ये आदमी की जगह तो बहिनिया होगी।
कहा था तू दीदी के सपने में, अब मामी जैसा कहेगी हमें तो वैसा ही करना पड़ेगा। कितना खुशकी हो गया रे माथा में, चंपी का ही नहीं करवाता है, तेल नहीं लगवाएगा है फैसान ना। मामा जी हाँ, आज मास्टर जी आने वाले हैं। अच्छा, शानू को स्कूल भेजना है ना। अरे वाह। अरे ई का चेहरा देखकर बाहर जाएंगे ना तो शहर में कर्फ्यू लग जाएगा। सत्यनारायण कथा नहीं बाचनी है, जजमान बुला रहे हैं, जाइए जाइए। लगता है मास्टर जी आ गए। तुम्हारी बहनिया स्कूल के हेडमास्टर को घर पे बुलाई है और तुम उनके सामने अपना मुंह खोले कि तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ नहीं हुआ है तो देख लेना, तुम्हारी बहनिया को हम पागल खाने भिजवा देंगे। प्रणाम मास्टर जी। खुश रहो। कहाँ है पंडित जी? आइए, मामा जी घर पर ही हैं। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। बैठिए। अरे भाई ये बताइए जी कि शांतनु को आप स्कूल जाने से क्यों रोक लिए? देखिए, भेजना तो मैं चाहता हूँ गुरुजी, मगर स्कूल में बच्चे उससे मार पीट करते हैं और इसकी मामी को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो न जाए। अरे भाई ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं महाराज, ऐसे कैसे हम भेज दे उसको स्कूल में, वहाँ रोज मार कुटाई होती है उसके साथ। अरे एक बार तो पता चला है कि मास्टर ने उसका सर फोड़ दिया था मार कर। ये आप क्या बात कर रही हैं? मेरे स्कूल में ये सब नहीं होता है। अरे अब भाई हम सानू को बुला के पूछवा लेते हैं। सानू बिटवा, अरे गणेश सानू को लेता, आवा हो जल्दी आवा हो। और मास्टर जी आए हैं, कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा सानू बताना कि तुमको स्कूल में मास्टर जी मारे रहे या ना ही मारे रहे? याद है उस दिन माथवा पे इतना बड़ा आलू फूला हुआ था? छोटे थे। अच्छा सानू बिटवा ये बताओ कि मास्टर लोग भी मारे रहे होंगे? हाँ, मुझे नहीं जाना कोई स्कूल, वहाँ मुझे सब बहुत मारते हैं। आप भी बहुत बुरे हो, क्यों आए आप? मास्टर जी शानू का स्कूल में दाखिला करा दीजिए। अच्छा नमस्कार। अरे चाय तो पी। सिमरन बेटी, जी छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को कह देता हूँ, वो घर पे ही आके बच्चों को पढ़ा जाया करेगा। पंडित जी जजमान इंतजार कर रहे हैं, सत्यनारायण कथा बांचनी है ना, जाइए। वो स्कूल जाएगा। शानू चल दीदी। नहीं आज तो स्कूल जाके रहेगा। महारानी, अरे 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 कहाँ चली, रुका हो, कहाँ जा रही ये सब झोल बस्ता लेकर के? हाँ आज मैं इसे स्कूल ले जाकर रहूंगी। आग तरेर के बात करती है हमसे, हमें थप्पड़ मारी चुड़ैल। अरे हाँ, हाथे घोड़ा पालती जय कर रही है। आज हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे मामी, तू लेके जा। क्या आ गई है, कब भाग खा के आई है? स्कूल जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम कर आने देते हैं मामा जी को, हम सब बताएंगे, पाल पोस के बड़ा किया। मेरे की कोशिश भी मत करिएगा। अरे दो दिन की लड़की हमको आग दिखा के चली गई। अरे आने दे तुम्हारे मामा को, सब कुछ बताएंगे। चल रे गणेश, ये लड़की किससे मिलना है, कहां जा रही है? मास्टर से मिलना है। अरे मास्टर किससे मिलना है? अरे अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? अरे अरे आप पैसे नहीं जा सकती, आप पैसे। क्या शोर मचा रहे हो, क्या बात है? सर ये आपसे मिलने आई है। अच्छा तुम जाओ। प्रणाम मास्टर जी। चलो माफी मांगो मास्टर जी से, बहुत बदतमीजी की ना तुमने। आई एम सॉरी सर। गुरुजी मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, और मुझे पता है उस दिन मामी ने आपसे झूठ बोला था, आपके स्कूल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आप शानू को अपने स्कूल में भर्ती कर लीजिए, तो घर ले जाकर उसका सर फोड़ दूंगी मैं। शाबाश, तुम लोगों को बुद्धि तो आई, समझ लो हमने इसको भर्ती कर लिया। Thank you.
दोनों का फैसला हमार चुक्कन करी, चुक्कन भैया। हेलो। चुक्कन भैया, बहुते मुसीबत आ गई है, बहुते बड़ी। अब आप जल्दी से आ जाओ यहाँ। अरे रो कह रही है, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे हम है ना, तेरा भाई है अभी। अरे कहा बताए भैया। अरे दोनों पतिंगा के ना पार निकल आया है। और तुमको तो मालूम है कि पिल्ला के तो तुमको गिट्टी खदान पे काम पे लगाना है, और रही वो पिल्लैया, उनके तो हम दो चार घर में काम पे लगा ही देंगे। अरे का की है तुमको पता है आज हमरा खानदानी डंडा उठा के हमें को मारने चली है। अरे वो कमीनी लड़कर अपने भाई को स्कूल लेकर गई है। घबरा मत बहनिया, चुक्कन चुटकियों में मसल देगा उन्हें। बस तुम भैया जल्दी से आ जाओ। आ रहे हम। अब चखाएंगे दोनों राहु केतु को मजा। राधे 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 राधे, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। राधे 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 राधे। अच्छे से पढ़ना है स्कूल में, झगड़ा मत करना। हे कन्हैया जल्दी से हमरे भाई को बुला दो, जल्दी से हमरे भाई को बुला दो, हमरी विपदा दूर। बहन को परेशान करेगा तू, पढ़ने जाएगा तू। मामा, शानू को छोड़ दो। हाथ छोड़। मामा, शानू को छोड़ दो। छोड़ा ना, हाथ छोड़। तेरी बहन को छोड़ दे। दांत काट दी ना, बहुत जोर से काटी है। छोड़ ना। आज इसे डांस से मार देंगे। छोड़ना नहीं, उसे छोड़ना नहीं। शानू, तुझे लगा तो नहीं? शानू, दांत काटी है, खोल दरवाजा। शानू तू डर मत, कहना है ना, हमें मदद करेंगे। तू दरवाजा खोल। बाला खोल। इस कंस मामा से बचाओ हमें। तुम दोनों को चांस से मार देंगे आज, खोल दरवाजा। पंडिताई। जीजा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ऐसा है कि दोनों कार्यक्रम को बाद में देख लेंगे, तुम तानी अपने कमरे में जाओ। ना ठीक है बहन, तुम चिंता मत करना, एक बार इस बंदर को गिट्टी खदान पे भेज देना तो फिर इसका मामा तो क्या, दोनों गामा पहलवान भी नहीं निकाल पाएगा। सही कहे, जावा जावा। चल चल, हम आराम कर ले। पंडिताई सुनो, पंडिताई ये चुक्कन अच्छा आदमी नहीं है, समझी? न जाने क्या अनाप शनाप काम करता रहता है। एक बात और, जितनी जल्दी हो सके उसे इस घर से विदा करो, समझी? अच्छा पंडित जी, तू ऐसा काहे नहीं है कि आप खुद अपना साला के पास जाए और कहे, ए साला जी हमरे घर में खाने का फाका पड़ रहा है, आप कौनो और दरवाजा ठोक लीजिए। देखो पंडित, तुम बात सुनो, मैं फिर कहता हूँ वो अच्छा आदमी नहीं है, खैर तुम्हारी मर्जी, जो कुछ करो। बहन मत लड़े चुड़ैल से। तू चुड़ैल मत बोल, तू अच्छा बच्चा है ना, और अम्मा कहती थी अच्छे बच्चे गाली नहीं देते। अब तो चिंता मत कर, काना है ना, सब ठीक कर देंगे। रहने दे तेरे काना को, कभी तेरी सुनता तो है नहीं, कल मुझे स्कूल नहीं पिट्टी गदन ले जाएगा। टांगे तोड़ दूंगी चुक्कन मामा के। अच्छा सुन, कमरे में रहना और दरवाजा मत खोलना। हाँ। अरे बहनिया दूध में जरा ड्राई फ्रूट डाल के तो ले आओ, इसको मजा चखाते। अरे ये तो वही दवाइयां हैं जो मामी पेट साफ करने की खाती हैं। अब बताती हूँ मैं चुक्कन मामा को।
दूध गर्म है ना तो ठंडा होने रखा है। सिमी बेटा। जी मामा। शानू तैयार है तो उसको भेज दो, मैं उसको अपने साथ स्कूल ले जाऊंगा। हाँ, मैं भी बुला। गणेश ले जाएगा शानू को अपने साथ, आप काहे चिंता कर रहे हैं, दोनों भाई साथ में चले जाएंगे। मामा जी, शानू को आप अपने साथ लेके जाइए, नहीं तो मामी से गिट्टी खतार भेज देगी। अरे हम कह रहे हैं ना कि गणेश के साथ चला जाएगा, आप जाइए, पूजा पाठ में देर हो रही है। अब बिट्टू आ गया, अब देखो टिफिन में लड्डू रख दिए। शानू लड्डू ठीक से खाया रहा? जा गणेश के साथ स्कूल चले जाना। जा गणेश, भाई शान को भी अपने साथ स्कूल ले जा। अरे सुनो, रुको रुको, तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, इसको तो हमरा भैया ही स्कूल छोड़ के आएगा। अरे छुक्कन भैया। हाँ भाई ना। तनी शानू को स्कूल छोड़ के तो आ जाओ। पेट भर के खाए हो ना, कौन कमी तो नहीं? अरे नहीं भाई, कौन कमी नहीं। चलो तुमको हम स्कूल छोड़ दे। ये आपके साथ स्कूल नहीं जाएगा। अरे देख रहे हैं इसका साहस भैया। तेरा इतना हिम्मत रे कि तुम हमारा हाथ पकड़ी हो? मैं नहीं जा रही तुमकी इसको आपके साथ। आज तेरा गर्मी शांत करते हैं हम, तेरा गर्मी। दीदी, चानू, नहीं, हे काना, काना मेरी मदद करो, इस कंध से बचाओ काना, काना मेरी मदद करो, काना इस कंध से बचाओ, काना, काना मदद करो, काना मेरी मदद करो, काना, काना मेरी मदद करो, काना। आज तो तेरे जमाल घोटे का कमाल चल गया, लेकिन रोज नहीं चलेगा। मेरी किस्मत में गिट्टी का दान लिखा है, स्कूल नहीं, ये बात तू मान ले। दोबारा ऐसा बोला ना तो तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। बढ़िया ही सर फोड़ने वाली, मेरे बिना रहेगी ऐसे तू? चल अब स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे बाप रे, अरे उठो भैया, उठो, आराम से आराम से, आराम से बैठो, अभी हम दवाई दे देते हैं, आराम आ जाएगा। ये लो भैया खा लो। का हाल कर दिया है हमरे पहलवान जैसे भैया का, पगलिया के तो कीड़े पड़े। देख बहन, मार डाल उसको, बहुत खतरनाक हो गई। राधे राधे, का कह रहे हो भैया, हमसे ही पाक ना हो सके? हम तेरे भले के लिए कह रहे थे, और कोई रास्ता नहीं। आज अगर इससे निपट भी लेगा तो कल को कोई दूसरी परेशानी खड़ा कर देगी। अगर इतना बड़ा पाप ना, हमसे ही ना हो सके। देख बहन, मैं रास्ता बताता हूँ ना, बहुत आसानी से, तू टेंशन मत ले। बड़ा छोटा सा सपना है सिमरन का, अपने भाई को स्कूल भेजना, क्योंकि उसकी मां ने कहा था। लेकिन इस छोटे सपने को भी मामी छीन लेना चाहती है, और इस वक्त तो मामी को शकुनी मामा मिल गया है चुकन के रूप में। पता नहीं शकुनी मामा की सलाह सिमरन के जीवन में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगी, और क्या सिमरन के मामा जान पाएंगे अपनी बीवी का सच? दीदी दीदी, मम्मी नाश्ते के लिए बुलाई। क्या नाश्ते के लिए? मेरे गणेश भाई सुबह सुबह मजाक नहीं करते। अरे दीदी, मजाक नहीं, सच में। शानू, मामी नाश्ते के लिए बुला रही है,
चल चलते हैं। सुम्मी बिटिया, एको पराठा और लो। कहे कि दिन भर काम करती हो, सेहत बन जाएगी तुम्हारी। ए पंडित जी, एको विचार आया हमरे मन में कि सानू का जन्मदिन कहे ना मनाए इस बार। अरे कहा हो गया रे, पानी पी पानी पी, अरे पानी पी पानी पी। कहे कि गणेश का तो हर समय मनाते ही है, तो हम सोचे कि इस बार सानू का कहे उन्हें मनाया जाए। पंडिताइन कैसे बदल गई? चलो ठीक है, बदल गई, अच्छा ही हुआ। ये लो सानू, पराठा खाओ, असली घी का है, ताकत मिलेगा। बहन। हाँ भैया। वो हम सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से चले जाएं। पर क्या है भैया? अब कोनो काम नहीं है हमारे यहाँ। अरे ना ही हो, सानू का जन्मदिन है, उसमें शामिल नहीं होएगा का? उसके बाद ही जाइएगा। आप तनी इस सेब खाइए ना, लीजिए। कहा भैया, दोनों हाथ से ले लिए। तुम बैठो। तो कहा है कि पहलवान है ना, तो थोड़ा। क्या लगता है बहन, इस बार हमारी मामी सुधर गई? मैंने एक बार झोलू मामा को कहते हुए सुना था, नागिन कितनी भी अच्छी लेकिन काटना नहीं भूलेगी। शायद इस बार हम गलत हो। वो तो मामा के जाने के बाद ही असली रंग पता चलेगा। चल देखते हैं। हाँ भैया, आधा आधा किलो का डिब्बा अलग से और 25 किलो लड्डू अलग से पैक करना। और हाँ, ध्यान रहे, शुद्ध घी में रखना। हाँ बिल्कुल। चलो, ये ऑर्डर तो हो गया, अब मिलाते हैं गणेश के बाबूजी को फोन। हाँ कहाँ हो? अच्छा एक काम करो, कि सानू सिमी और गणेश के लिए कपड़ा खरीदना है ना, हाँ तो जल्दी से ऑर्डर दे दो। अरे हाँ, वो गुप्ता जी के दुकान में ही देना, अच्छा कपड़ा रखता है ना वो। हाँ, और शाम को जल्दी आना, ठीक है? चलो भैया, अब जरा दो चार मेहमान को फोन कर ले। राधे 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 राधे। हे पालन करता, हमको इस सिमी नाम की बला से मुक्त करा दो। ऐसे ही इस संसार में बहुत पागल लोग हैं, एगो पगली कम हो जाएगी तो इस संसार का बहुत ही भला हो जाएगा। राधे राधे राधे। कान्हा, अब आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। और जो आप कहते हो ना कि जो जब होना होता है वो तभी होता है, और आपने मेरे घर बिना ये सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ, अगर सखा होने के नाते आते तो मुझे अच्छा लगता। और हाँ, मैंने मामी को जितनी भी गालियां दी ना, सब वापस। मेरी मामी खूब अच्छी है, वो बहुत जिए। बहना, चल तेरी भांजी के लिए स्पेशल लड्डू तैयार करते हैं। अरे अरे भैया जी, कम से कम कान्हा के मंदिर का तो ख्याल करिए। अच्छा हाँ, चल बाहर चल। अच्छा जल्दी आ। अच्छा, तेरी उस पगली भांजी के लिए स्पेशल लड्डू तैयार करते हैं। ये काम करते हैं ना। हाँ। ये पहचान में कैसे आएगा? हाँ। उसका भी है ना आइडिया हमारे पास। हाँ। इस पे केसर लगा देते हैं। अरे तोरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी भैया। अरे है तो तुम्हारे भाई ना। हाँ। अब इसको उठा के हाँ। इसमें रख देते हैं। ये पूरा लड्डू खाने के बाद ना वो पिल्ली आंख भी नहीं खोल पाएगी। कहा कह रहे हो? हाँ। और कोई पूछेगा हाँ। तुम कह देंगे मिठाई तो बाजार से आई थी। हाँ। खा के फूड पॉइजनिंग हो गई, बात रफा दफा हो जाएगी, है ना? ठीक। अब एक काम करते हैं। हाँ। इसको ऐसे रखते थे। अच्छा ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम 2 से 3 बार कर चुके हैं, लेकिन आज तक कभी फेल नहीं हुए। क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है, ना हम डिब्बा सामान के रख देते हैं। हेलो। हाँ, अरे कोई नहीं। लड्डू वाला इसमें भी नहीं है। हे भगवान, इसमें भी नहीं है, कहाँ मिल गया? भैया, अरे भैया, अरे चुक्कन भैया, अरे भैया,
सब गड़बड़ हो गया। कहाँ हो गया? अरे हम उन लड्डू में जो पगली के लिए मिलाए थे ना, वो सब दूसरे लड्डू में मिक्स हो गया। अरे कैसे कर दी तुम? अरे हमारा माथा ही खराब हो गया था। आवा हो, आवा हो। चलो जल्दी चलो। अरे बेटवा ये क्या कर रहा था? अरे सिमी। हाँ मामा। बेटा वो आज तेरे भाई का जन्मदिन है ना, तो मुंह मीठा कर ले। दीदी लड्डू मत खाना। शानू 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 शानू, मामी देखिए ना शानू को क्या हुआ। मामी, मामा जी, शानू, मामा जी शानू को क्या हुआ? पानी बेटा, मामी, शानू पानी। अरे कहाँ हो गया भैया? अब क्या करें हम? बीच में आके लड्डू खा लिए तो हम क्या करें? अरे अभी तक ठीक ठाक था, पता नहीं अचानक गिर पड़ा। सानू बेटे, सानू बेटे। डॉक्टर साहब। सखा, सखा। आइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए मेरी बीबी और इसका चचेरे भाई को। इन लोगों ने मिलकर जहर दिया है। तुम हमारे पति हो या राक्षस? अरे नहीं, इस सब देखिए ना शानू को क्या हुआ। देख से ठीक कर दीजिए सखा। भाई को आवाज दो। शानू, 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 कहते हैं भक्त की भक्ति के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। क्या यही वजह है कि बार बार मना करने वाले कान्हा अपनी भक्त का हाथ थाम कर उसके घर चले आए? क्या वाकई कान्हा आए थे या ये सिमरन के दिमाग का भ्रम था? क्योंकि कान्हा को किसी और ने नहीं देखा। जो भी था, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन सिमरन को पागल खाने भेजने वाली मामी खुद पागल खाने पहुंच गई थी और अपने भाई को स्कूल भेजने का सिमरन का सपना पूरा हो गया था। वो तो सुख दुख में है तेरे साथ, उसको क्यों ढूंढे, वो तेरे पास है। उसने तो पाया बस उसका साथ, जिसके मन में विश्वास है। तो अगर आपके पास भी
भक्त और भगवान की कोई सच्ची कहानी हो तो हमें लिख भेजिए। मैं शक्ति अरोरा आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विश्वास की एक और सौगात के साथ। तब तक आप किसी शानू को स्कूल पहुंचा सके तो पहुंचा दीजिए। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। नमस्कार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।